तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग भाई लोग, चल रहा हूँ आज फिर से मैं स्विगी में काम करने के लिए। आज है दिवाली और आज का ऑफर भी मस्त है। मैं अपना रेट कार्ड अभी दिखा दूंगा आपको, क्या है कहाँ है कैसे सब कुछ। ये रहे भैया आपका, ये ना देख लो आप, डॉक्टर आशीष। थैंक यू। रेट कार्ड अभी मैंने करा लिया, मतलब मेरी आईडी हो गई थी सस्पेंड। मतलब फोर्थ फ्लोर है भाई का, देखो। और हाउ टू रीच में क्या लिखा है, भाई कहाँ हो, क्या है यार भाई, हाउ टू रीच में यार कोई लैंडमार्क लिखता है, ये लिख रहे हैं भाई कहाँ हो। हिमांग का क्वेश्चन देख लो भाई, ये है अपना एम्स स्कीम का। सर बात कर लीजिए डॉक्टर। तो भाई स्विगी में आ चुका ऑर्डर नंबर अपना कितना भाई, ये है वहां से दिया, यहाँ दिया, फिर हाँ ये नवा ऑर्डर है स्विगी का। तो डिनर पिक में भाई यह चल रहा है कि डिनर पैक, तो पिक तो भाई जान बुझ के करूंगा मैं, और देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि भाई क्या ये रेट कार्ड में फायदा है या जो नॉर्मल अपना रहता है उसमें फायदा है। देखो यहाँ पुलिस वाले बिना हेलमेट के, गाड़ी नंबर भी देख सकते हो, ये है दिल्ली पुलिस। हम लोग जरा सा ना चले ना तो क्या ही बताएं, पर इन्हें कौन बोले। देखो देखो ये बेल है, अब मैं इसे बजाएगी बजाएगी नहीं बजा, यस बजा। हाँ जी मैम, स्विगी रंजनी माथुर, थैंक यू। ऑर्डर तो दे दिया भाई, अब देखो यहाँ गेम क्या खेला जा रहा है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। अभी बज रहे हैं कितने, 6:33, मतलब 6:30 है। और अगर मैं अभी ये ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा, डिलीवर मार्क कर दूंगा, तो ये मुझे अभी ऑर्डर नहीं देगा, 6:55:54 पे ऑर्डर देगा और बहुत लंबा फेंकेगा, लंबा दूर जाऊँगा तो क्या होगा, जोन में आने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 7:30 से 7:45 हो जाएगा। और 7 बजे से लेके क्या है मेरा, वो गेम स्विगी मेरे साथ खेलना चाहती है, मैं इसके साथ खेल जाऊं क्यों, अब देखो कैसे खेलूंगा। मैं इसे डिलीवर मार्क करूंगा लेकिन अभी नहीं, 2-3-5 मिनट बाद करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, ड्यूटी में ऑफ कर लूंगा, क्योंकि 4 से 7 का कोई वैल्यू है नहीं कि आपको इसमें लॉग इन रहना है, खास करके मुझे तो नहीं है। मुझे सिर्फ डिनर पिक में 7 से लेके 11 के बीच में जो है मुझे 3.5 घंटे देने हैं, 3 घंटे 45 मिनट देने हैं, तो मैं आराम से करूंगा भाई। अभी मैं क्या करूंगा, इसे ड्यूटी ऑफ कर दूंगा, ड्यूटी ऑफ, और 7 बजे स्टार्ट पे बिल्कुल एकदम पक्का 7 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, 7:01 पे, ताकि अगर मुझे ऑर्डर भी बजे तो मुझे एक्स्ट्रा मिले। मैं तेरी स्विगी अच्छे से जानता हूँ संजय। अभी देखो 6:36 हो रहे हैं और मैंने क्या कर दी है, ड्यूटी ऑफ, और इसमें 12 ऑर्डर होने में सिर्फ 2 ऑर्डर बचे हैं, तो मुझे बस ये 500 लेने के लिए क्या करने पड़ेंगे, अभी 7 बजे से लेके 11 के बीच में 3 घंटे 45 मिनट, मतलब मान लगे 7 बजे से 11 बजे तक की ड्यूटी देनी है, और इसमें पर ऑर्डर मुझे मिलेंगे। और अभी तक मेरी कमाई की अगर बात कर ले, अर्निंग की बात कर ले, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। अभी तक जो ऑर्डर हुआ है वो भी स्विगी के तरह ही हुआ है, यानी कि 420, 6 घंटे में, मतलब देख लो 6:01 हुए हैं और मैंने 420 रुपये की अर्निंग की है। जैसे स्विगी है वैसे इसकी अर्निंग है, यानी कि 420। देखो अब बज रहे हैं 7:07 और मैं करूंगा ये, अबे यार इधर आ, ड्यूटी मैं ऑन करूंगा। अभी देखो इस कस्टमर ने मुझे बोला कि भाई आप इधर से नहीं उधर से आना, बहुत कन्फ्यूज किया मुझे, क्योंकि जाना था मुझे ये धौला कुआं, और यहाँ से बोल रहे कि इधर मत आओ उधर मत आओ, और मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल लग ही नहीं रहा, बहुत ट्राई किया नहीं लगा, तो फिर कहा भाई चलो भाई अब चलते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। देखो कहाँ कहाँ से जुगाड़ करना पड़ता है, यू टर्न नहीं है लेकिन इसे यू टर्न बनाना पड़ेगा। आप हो सर स्विगी? अभी है ना, अभी बात कर रहे थे, बताओ कहाँ 3 किलोमीटर हुआ, दिखाते ऐसे ही है। हाँ हाँ, बट यहाँ बीच से एक है। अरे पहले इधर यू टर्न था, ये बंद कर दिया ना। अच्छा अच्छा, 426 रुपए तो स्विगी में कर दूँ, आपको कर दूँ, कहीं भी कर दूँ, मुझे ही कर दो, ठीक है। हाँ क्योंकि स्विगी का कल पैसा आने में टाइम लगेगा, अभी मेरे पास पैसा रहेगा, वो आपसे कट जाएगा। हाँ लेगा ही, ऑटोमेटिक कट कर देता है या आपको देना पड़ता है? नहीं मुझे नहीं दूंगा मैं, तो मेरे पे आउट से कटेगा जो मैं क्या बोला, मान लो आपने ऐसे 10 अमाउंट
ले लिया हाँ। और बोला मैं चला नौकरी नहीं करना है, मैं निकल गया तो नहीं लॉस हो जाएगा तो स्विगी का लॉस हो जाएगा। हाँ स्विगी का लॉस होगा, वो ढूंढ लेगी मुझे, मेरा सारा डॉक्यूमेंट है उसके पास, बाइक की मेरी। इतना आसान भी नहीं है। हाँ इतना आसान नहीं है। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ? भागलपुर। मैं आसाम से ही हूँ। अच्छा आसाम से हो, आसाम राइफल, ठीक है। हैप्पी दिवाली ब्रो। हैप्पी दिवाली। कोड दे जी, गैप दे भेज दिवाली के तरफ। तो फैमिली के साथ ही कैसा है? आ गया। फैमिली के साथ है तो कैसे है? इधर अकेले की फैमिली के साथ है? नहीं मैं अकेला हूँ। गुड, तब तो साला दारू पीने के लिए 100 रुपए मेरे साथ ले ले। तो दारू पीने के लिए दे, दारू ही पीना है उसको। ठीक है दारू ही पीऊंगा ठीक है। अरे पता है यार सबको है कि दिमाग में है ना जी। दारू कुछ भी करो, दारू पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सब पीते है कौन से तुम कर्मचारी बन जाओगे नहीं पीते हो जी। देखो जो सच्चाई है सब कुछ करो लेकिन दिमाग में जो है ना उस पे ध्यान दो। और सबसे बढ़िया है कि बिहार वाले लोग ना फोकस बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने सब देखा है। हाँ। गरीबी देखा है, सब कुछ देखा है। अगले के लिए लेकिन तक नहीं है जी। हम बात सही बोल रहे हैं। वाली बात नहीं, नहीं सर बात सही बोल रहे हो आप। आप उस बंदे ने अगर सब देखा है तो यहाँ पे अगर भूल मत जाना। नहीं सर सब कुछ करो, मेहनत करो। और पता है चीज यार, आज दिन एक कल आएगा बाबा, कल नहीं है परसों आएगा जी, लेकिन आएगा। हाँ लेकिन एक है, अगर तुमने छोड़ दिया ना तो तुम्हारी जिंदगी में रहेगा यार। मैंने अगर थोड़ा मेहनत करता ना हो जाता। तो ये जिंदगी में ऐसा ना हो कि कभी आए यार बहन जो थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था। अगर करने के बाद नहीं आता है ना तो अलग बात है। वो पढ़ाई करो, ढंग से करो, कुछ भी करो लेकिन दिल से करो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। चलो बाय। यार कितने अच्छे थे, मुझे 90 रुपए इसमें मिल गए, 100 रुपए अलग से टिप मिल गया। अब मैं हो जाएंगा ऑफलाइन। चलो देखते हैं अगर ऑर्डर आता है तो, ठीक है अपने तरफ का। ये आर्मी वाले हैं, ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड है। यहाँ से ये आर्मी वाले थे, असम से। तो भाई मेरा जो रेट कार्ड चल रहा था वो इस तरह से था कि मतलब अगर 0 से 4 किलोमीटर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे 45 रुपये पर ऑर्डर मिलेंगे। ऊपर से अगर 4 से 8 के बीच में मुझे मिलेंगे 55 रुपये, और अगर 8 किलोमीटर से प्लस जाऊंगा तो मुझे 65 रुपये मिलेंगे। लेकिन स्विगी यहाँ गेम ये खेल रही थी कि मुझे कभी भी 8 से 7 किलोमीटर के कम मुझे भेज ही नहीं रही थी। कि भाई आपको दिख रहा होगा कि 0 से 4 किलोमीटर में भाई अगर मेरा यहाँ क्या दिख रहा होगा कि 45 रुपये मुझे मिलेंगे, तो 45 रुपये ये, और सर्च चल रहा था 50 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा। तो 50 और 45 अगर 1 किलोमीटर भी मैं जाता तो मुझे 90 रुपये मिल रहे थे। लेकिन ऐसा कभी स्विगी ने, मतलब पूरे दिन भर मैंने काम किया, पूरा 7 से 11 जो भी जितना भी काम किया, मुझे कहीं भी 1 किलोमीटर से कम का मिला ही नहीं। सब में मुझे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर मतलब भेज करके, मतलब कि 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी कभी कभी जाना पड़ रहा था, और उसमें से मुझे 105 रुपये ही मिल रहे थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, स्विगी कितना भी निकाल दे, स्विगी अपना साला जितना होता है निकलवा के ही रहती है कि 50 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा था मेरा, 40 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा था। इसके अलावा इंसेंटिव कुछ नहीं, जो कि डिनर पिक में मतलब जितना भी पिक होता है उसमें से 60 रुपये 100 रुपये जो भी होता है, या 2400 रुपये जो आपका 550 था, ये सब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ और सिर्फ मुझे मिल रहा था कि 12 ऑर्डर डिलीवर करो और आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे इंसेंटिव, 1100 रुपये की आपकी कमाई होगी। ना आपको वेटिंग चार्ज मिल रहा था, मुझे वेटिंग चार्ज मैंने एक ऑर्डर पे तो भाई क्या बताऊँ आधा घंटा से ज़्यादा वेट किया, लेकिन मुझे 1 रुपये भी वेटिंग चार्ज नहीं था। कहना क्या मतलब ये हुआ कि सूखा मेरा था 12 ऑर्डर डिलीवर करो और 1100 रुपये लेकर जाओ, बस यही था मेरा, और कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी भाई। बहुत बेकार गया मेरा दिवाली का। ये स्विगी वालों ने अपना सब कुछ निकाल लिया भाई, क्या बताऊँ, बहुत होशियार कंपनी है। लेकिन फिर भी लास्ट में अर्निंग जो हुई है, साइड पे स्क्रीन आप देख रहे हो इतनी भाई मेरे इतने घंटे में अर्निंग हुई। अगर मेरा यही नॉर्मल रहता, नॉर्मल जो आईडी रहती है स्विगी की, अगर वो रहती तो भाई मेरी अर्निंग इतने घंटे में ही कम से कम 2500 से 2600 के आसपास हो ही जाती। तो भाई अब आपके सामने है कि रेट कार्ड सही था मेरा या नॉर्मल वाली जो आईडी सही रहती है वो है, आप खुद ही डिसाइड कर लो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली।